हेलो फ्रेंड्स, आज हम फुल्ली लोडेड चॉकलेट ओरियो केक सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ओरियो के बिस्किट, उसके बीच में का पोर्शन हम निकाल देंगे और जो अपने बिस्किट्स अलग हो जाएंगे उसका अपन पाउडर बना लेंगे। अब ये पाउडर फॉर्म में बनने के बाद हम अपने चॉकलेट पेस्ट को तीन लेयर में कट करेंगे। और तीन लेयर में कट करने के बाद फ्रेंड देखिए कितने अच्छे से लेयर तीनों भी कट हो गई है। एक एक लेयर को सोक करेंगे, पहले पेस्ट लेंगे, उसके बाद उसको शुगर सिरप से सोक करेंगे। अब फ्रेंड अगर सही से आपको फिनिशिंग चाहिए है तो आप पाइपिंग बैग में भर के क्रीम अप्लाई करें और उसके ऊपर अपन ये ओरियो का पाउडर डस्ट कर रहे हैं। अगेन वही प्रोसेस ऑन द सेकेंड लेयर। अगेन मैंने पाइपिंग बैग में भर के ही क्रीम अप्लाई किया है और बीच में का जो गैप है उसे भी भर दिया है। अब पैलेट नाइफ से उसको प्लेन करके उसके ऊपर मैंने ओरियो के बिस्किट का जो भी पाउडर अपन ने बनाया है वो डस्ट कर दिया है। इससे ओरियो की एक टेस्ट जो है मेंटेन रहेगी पूरे केक में। अब ऊपर का लेयर रखते हैं, शुगर सिरप से सोक करते हैं, उसके बाद क्रीम अप्लाई करेंगे और क्रीम को हम अब क्रम कोट कर लेंगे। क्रम कोट से फ्रेंड अपने केक को अच्छी सी फिनिशिंग मिलती है। अब थोड़े से क्रीम में मैंने ओरियो का पाउडर बचा हुआ मिक्स कर लिया है और उसे पाइपिंग बैग में भर के अब क्रम कोटिंग होने के बाद एक कोट मैंने ओरियो क्रीम का दिया है, मतलब ओरियो के बिस्किट का पाउडर वो क्रीम में मिला के उसको पैकिंग पैक में भर के उसे मैंने केक पे अप्लाई किया है और उसे अब मैं फिनिश कर रही हूँ। फ्रेंड आफ्टर फिनिशिंग ये कुछ ऐसा दिखता है। अब इसे थोड़ा 10-15 मिनट के लिए फिनिश होने के बाद हम फ्रीज में रख देंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। पूरी क्रीम अप्लाई नहीं करनी है फ्रेंड, थोड़ी क्रीम रखनी है जो कि नोजल डेकोरेशन के लिए काम में आएगी। उसके बाद थोड़ा पाउडर मेरे पास बचा हुआ था ओरियो केक का, ओरियो बिस्किट्स का, वो मैंने नीचे अप्लाई कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ चॉकलेट के जो चिप्स रहते हैं चोको चिप्स वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी ओरियो केक है तो इससे उसका बेटर लुक आता है। ओके फ्रेंड्स, इसको अब हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे फ्रीज में। अब एक बाउल में डबल बॉयलर में 50 ग्राम चॉकलेट और 50 ग्राम व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है लिक्विड फॉर्म में और उसे एज अ गनाश मैंने बना लिया है। ये क्विक गनाश है फ्रेंड्स, इसको अब पाइपिंग बैग में भर के मैं केक के ऊपर, केक को 10-15 मिनट मैंने फ्रिज में रखा था, ड्रिपिंग इफेक्ट दूंगी। बहुत अच्छे से ड्रिपिंग इफेक्ट आ गया है। अब मैं थोड़ा उसे एज अ डेकोरेशन मैंने थोड़ा डिज़ाइन दे दिया है। और हाँ, जब भी ये चॉकलेट स्प्रेड करना है तो क्योंकि वो जल्दी सेट हो जाता है तो पैलेट नाइफ अपना गर्म पानी में डुबो के ही उसको सेट करिए तो वो पूरा प्लेन हो जाता है। अब जो बची हुई ओरियो की क्रीम थी उससे मैंने जो बड़ा अपना ओपन नोजल रहता है उससे फ्लावर बना लिए हैं। जस्ट कुछ नहीं, रैंडमली फ्लावर बनाना है फ्रेंड, जैसे आपको लगे। बस मैं थोड़ा एक दो ऐसा करके पूरा एक लाइन कवर कर रही हूँ और ये बहुत इजी और बहुत क्विक डेकोरेशन है। अब इसके बाद मैं हर एक
हर एक फ्लावर पे चोको चिप्स अप्लाई करूँगी, तो उससे उसका लुक और ज़्यादा बेटर और लोडेड दिखेगा, क्योंकि ये अपना फुल्ली लोडेड चॉकलेट ओरियो केक है ना, तो वो सब अपने को दिखाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो ऐसा मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स उस पर डाल दिए हैं, और इसके बाद अभी ओरियो के जो बिस्किट्स है उसका छोटा और एक पैक है मेरे पास, उसमें के बिस्किट्स निकाल के मैंने एक बिस्किट को हाफ कट कर लिया है, और वो हाफ बिस्किट्स मैंने इसमें ऐसे फंसा दिए हैं, जैसे देखिए। और ये बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत सुंदर तरीके से अपना चॉकलेट ओरियो केक तैयार हो गया है। ये कस्टमर की डिमांड थी, फुल्ली लोडेड चॉकलेट ओरियो केक। बाय फ्रेंड, सब्सक्राइब माय चैनल।